हाय गाइस, हम लोग बनाने वाले हैं फिश करी। तो उसके लिए कढ़ाई पे तेल ले लीजिए और उसके बाद फिश को मैरिनेट करके रखिए नमक और हल्दी लगा के। और उसके बाद उस फिश को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसको आप लोगों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उस टाइम भी आपको फिश को इसमें डालना है। अगर तेल हल्का ठंडा रहेगा तो फिश कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो आप देख सकते कलर, जब ऐसा कलर आ जाए उस टाइम पे आप लोग फिश को उतार दीजिए। और उसके बाद इसमें डालिए प्याज। मैं यहाँ पे एक बड़ा प्याज ले रही हूँ। और इसके बाद प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए इसलिए मैं इस स्टेज पे नमक डाल दे रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब हल्का तेल निकल जाएगा उस टाइम पे हम लोग मसाले डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी, उसके बाद 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये आप आपके टेस्ट वाइज डाल सकते हैं, आप जितना तीखा पसंद करते हैं। और इन सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक इसमें तेल निकल जाए। और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर। ये मसाला पकेगा उसके बाद ही टमाटर डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 कटे हुए टमाटर डाल दे रही हूँ, हल्का पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जल ना जाए। थोड़ा सा मैं इस स्टेज पर ढक दूँगी ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक जाए। और उसके बाद आप इस स्टेज में डालिए धनिया पत्ता। धनिया पत्ता अगर प्रेजेंट हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और उसके बाद मसाले जब अच्छे से पक जाएगा उस टाइम पे 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये ग्रेवी बनेगा। और उसके बाद हम लोग जब मसाले अच्छे से पक जाए उस टाइम पे मछली को डाल दीजिए। यहाँ पे 1-1 करके मैं सारी मछली को डाल दे रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि मछली के अंदर अच्छे से सारे मसाले घुस जाए। और ये आपका टेस्टी टेस्टी फिश करी रेडी है। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।